हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं सेकंड हैंड लग्जरी। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज के वीडियो में हम दो जो है वो सेडान कवर करने वाले हैं और दोनों कार जो है वो स्कोडा की रैपिड है। दोनों की कंडीशन जो है वो बहुत ही अच्छी है। एक कार होने वाली है ऑटोमेटिक और एक है मैनुअल, तो आपको दोनों जो है वो ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं। दोनों कार जो है वो डीजल कार है, एक है 2014 की, एक है 2013 की, तो आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिलने वाले हैं। कलर ऑप्शन भी आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। पर कार्स दिखाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कार्स की वीडियो जो है लाता रहता हूँ। और जो उसके साइड में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अभी मैं कैमरा के पीछे जाता हूँ, जिससे आपको कार जो है वो ठीक से दिखेगी और मैं आपको ठीक से कंडीशन समझा पाऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है दो स्कोडा की रैपिड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है दो कलर ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं, एक है ब्लैक और एक है बेज। ये ब्लैक वाली जो कार है ये 2013 का मॉडल है और जो बेज कलर की है वो 2014 का मॉडल है। इसके अंदर आपको जो है वो DSG गियर बॉक्स भी मिल जाता है, मतलब ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। इसके अंदर आपको 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। मैं सबसे पहले आपको इस ब्लैक कार की जो है वो कंडीशन बाहर से पूरी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसके अंदर की भी कंडीशन एक बार देख लेंगे। इसके अंदर जो है वो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। आप इसकी जो है वो पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं साइड से, आपको जो है ये कार पूरी क्लीन मिलती है। आपको इसके ऊपर जो है वो हार्डली कोई स्क्रैच देखने को मिलेगा। और इसके जो अलॉय व्हील्स है वो आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। इसके अंदर आपको 5-स्पोक अलॉय व्हील्स मिलते हैं और ये ब्लैक है पूरे, जो कि कंपनी की तरफ से ब्लैक आते हैं। और ये जो अलॉय व्हील्स है ये आपको 14-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर आप इसकी जो है वो पूरी कंडीशन एक बार देख लीजिए, आपको साइड से जो ये कार पूरी ही क्लीन मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप इस कार को दूसरी साइड से भी एक बार देख लीजिए, दूसरी साइड से भी ये कार जो है वो पूरी ही क्लीन है। इसको एक बार मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। इस कार के अंदर जो है वो आपको क्रीम कलर का इंटीरियर मिलता है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको पूरा ही मैनुअल यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आपको चारों विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। जो डोर रुकने का नॉब है वो भी क्रोम प्लेटेड है, काफ़ी प्रीमियमनेस है इस कार के अंदर। और जो डैशबोर्ड है वो आपको पूरा ही प्लास्टिक मिलता है। पर जो स्कोडा की कार्स की बिल्ड क्वालिटी रहती है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि ये कार जो है वो जर्मन बिल्ड कार रहती है। आप जो प्लास्टिक भी देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। दोनों साइड की डोर्स की एक बार कंडीशन देख लीजिए आप, और सीट्स की भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक बार आप पीछे की भी जो है वो कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि पीछे से भी ये कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपको लेग स्पेस भी जो है वो डिसेंट सी मिल जाती है और पीछे की सीट्स भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। जो हैंडरेस्ट है वो भी एक बार आप देख लीजिए, हैंडरेस्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। और जो लेदर की क्वालिटी है इस कार की वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो कंपनी फिटेड है। यहाँ पे आप पीछे की डोर्स भी जो है वो एक बार देख लीजिए, ये भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोफाइल के मिलते हैं। जो कार है वो पूरी ही अच्छे से मेंटेन कार है। अभी हम बात करते हैं इस कार की डिटेल्स के बारे में। तो ये कार जो है ये फर्स्ट ओनर कार है, ब्लैक कलर में स्कोडा रैपिड, और 2013 की रजिस्टर कार है। 72,000 किलोमीटर चली हुई है। अगर हम इस कार की प्राइस के बारे में बात करें तो ये कार जो है 5,50,000 में यहाँ पे अवेलेबल है कार मॉल नासिक के अंदर। और इस प्राइस के अंदर आपको नेगोशिएशन भी जो है वो हो जाएगा। आप यहाँ पे आए और इस कार के अंदर जो है वो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं यहाँ पे आके। और इस कार के ऊपर आपको फाइनेंस का ऑप्शन भी जो है वो मिल जाता है। आप इसके ऊपर जो है वो 4 लाख तक फाइनेंस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप इस कार को जो है वो 1.5 लाख तक घर ले जा सकते हैं। तो अगर आपको ये कार पसंद आती है तो आप कार मॉल नासिक के अंदर आके ज़रूर विजिट करें, या इधर आना पॉसिबल नहीं है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट करके इस कार की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली कार की तरफ, जो कि है स्कोडा रैपिड बेज कलर में। आप इसकी भी एक बार बाहर से पूरी कंडीशन देख लीजिए, ये कार भी पूरी ही चमक रही है। इसके अंदर भी जो है वो आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। आप इसकी भी जो है वो पूरी बाहर से एक बार कंडीशन देख लीजिए, ये कार भी आपको पूरी जो है वो स्क्रैचलेस देखने को मिलती है। दूसरी साइड से भी आप इस कार को जो है वो एक बार देख लीजिए, दूसरी साइड से भी ये कार जो है वो पूरी ही क्लीन कंडीशन में है। एक बार मैं आपको इसको भी अंदर से दिखा देता हूँ। ये कार भी आप अंदर से पूरी ही देख सकते हैं। इसके अंदर भी जो है आपको एनालॉग जो है वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। जो डोर से वो आपको सेम मिलती है। इसके अंदर आपको चारों विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं और सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे जो रेडियो है वो भी आपको सेम मिलता है, एक नॉर्मल सा रेडियो मिलता है।
नॉर्मल से एसी वेंट्स मिलते हैं, और जो बिल्ड क्वालिटी वो आपको सेम मिलेगी, जो डैशबोर्ड है वो आपको सेम कलर का मिलेगा। बस इस कार के अंदर एक डिफरेंस है, इसके अंदर जो है वो आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है जो कि डीएसजी गियरबॉक्स है, और स्कोडा की कार्स का डीएसजी गियरबॉक्स बहुत ही ज़्यादा कमाल होता है। यहाँ पे आपको जो है वो हैंडरेस्ट भी मिल जाता है, और जो सीट कवर्स का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसका जो कॉम्बिनेशन है वो देख सकते हैं, आपको ब्लैक एंड रेड कलर में इसका कॉम्बिनेशन मिलता है। एक बार आप इसकी पीछे की भी कंडीशन देख लीजिए, आपको ये पीछे से भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिलती है। यहाँ पे आपको पीछे के साइड में भी जो है वो एसी वेंट्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी कूलिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है वो मैनुअल सनवाइजर्स मिलते हैं, ये वाले। यहाँ पे जो है ये आपको हैंडरेस्ट मिलता है, ये भी आप देख लीजिए एक बार। पूरी कार जो है वो क्लीन कंडीशन में है। मैं आपको इसकी भी एक बार डिटेल्स बता देता हूँ। तो अगर हम इस कार के डिटेल्स के बारे में बात करें, तो ये कार जो है ये है स्कोडा रैपिड बेज कलर में, ये भी फर्स्ट ओनर कार है और 34,000 किलोमीटर चली हुई है। इस कार की अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, तो ये कार जो है ये 5,80,000 में यहाँ पे अवेलेबल है, और इस कार के ऊपर भी आपको नेगोशिएशन हो जाएगा। यहाँ पे आप आ सकते हैं और इस कार के अंदर भी जो है वो नेगोशिएशन कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी आपको जो है वो फाइनेंस का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इसके अंदर भी आप जो है वो 4 लाख तक फाइनेंस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई सी भी कार पसंद आती है, तो आप कार मॉल नासिक में आके ज़रूर विजिट करें, या स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट करके इन दोनों कार्स की जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाना ही है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कार्स की वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में।